कार्रवाई होटल का बार वीडीए ने सील किया। होटल के कमरों को अभी नहीं किया गया सील, टूरिस्ट होने के चलते कमरों को सील नहीं किया गया। होटल प्रबंधन को कल तक का और वक्त दिया गया, टूरिस्ट के चेकआउट करने के बाद कमरे सील होंगे। बिना नक्शा पास किए होटल बनाया गया। वीडीए ने 31 मार्च को दिया था नोटिस। वाराणसी में स्पिनिता ओपी सिंह के होटल पर कार्रवाई हुई है। होटल का बार वीडीए ने सील कर दिया। होटल के कमरों को फिलहाल अभी सील नहीं किया गया क्योंकि टूरिस्ट कमरों में रह रहे हैं, इसलिए वीडीए ने एक दिन का वक्त और दिया होटल प्रबंधन को। कल तक टूरिस्ट चेकआउट कर लेंगे, इसके बाद होटल के कमरों को सील किया जाएगा। आकांक्षा दुबे के आत्महत्या मामले में दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी पर आकांक्षा दुबे की मां ने सीएम योगी का आभार जताया है। उन्होंने सीएम योगी से सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ की चरणों में एक मां का प्रणाम करती हूं, जो आपने मेरी रनिया के केस में जोर लगाया, जो दूसरा आरोपी आज गिरफ्तार हो गया संजय सिंह, और बहुत बहुत आभार हूं मैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी जो आरोपी हैं संदीप सिंह और अरुण पांडे, श्रद्धा पांडे, अनुराधा, ये लोग को भी जल्द से जल्द आप गिरफ्तारी करवाएंगे। अब मेरा एक निवेदन और है कि आप मेरी रानी के केस में सीबीआई जांच कराएं। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। कोर्ट ने समर सिंह की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की। 5 दिन की कस्टडी रिमांड मिली है। समर सिंह 4-3-7 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेगा। कोर्ट में समर सिंह जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। नारायण ने 5 दिन का रिमांड स्वीकृत किया है। कल 13 तारीख सुबह 10 बजे से रिमांड की प्रक्रिया शुरू होगी और 17 तारीख को शाम 5 बजे तक होगी। जी 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 पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर के इनको बंबई जाएगी और लखनऊ जाएगी और वहां पर जो है इनसे साक्ष्य बरामद कराए जाएंगे और उसके बाद पुलिस फिर यहां लेकर के आएगी साक्ष्य और जो बरामद करेगी उसके बारे में माननीय न्यायालय में लिखित रूप से दाखिल करेगी।